शिक्षु आयुक्त IAS अधिकारी के दिशा निर्देश पर सवर रहा है नगर चौपाटी। बहुत जल्द ही शहर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग नगर निगम के प्रशिक्षु आयुक्त IAS लक्ष्मण तिवारी के दिशा निर्देश के बाद दुर्ग शहर के मध्य स्थित चौपट पड़ी चौपाटी अब गुलजार होने लगी है। इसके चलते पूरी चौपाटी में जंगली झाड़ियों को साफ कर पेड़ों पर रंग रोगन किया जा रहा है। साथ ही यहां पर स्थित गुमटियों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य गुमटी ठेले वाले दुकानों को यहां पर लाने की कवायद की जा रही है, जिसके बाद गुलजार हुए इस चौपाटी में शहर की जनता पहुँच इसका लाभ ले सकेगी। दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग व बाजार विभाग प्रभारी मोहम्मद जावेद ने चौपाटी पर लिए जा रहे संधारण कार्य का जायजा लेकर बंद पड़ी दुकानों के व्यवस्थापन पर नई और दुकान लगाने के लिए कार्य किए हैं, जिसके तहत न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। ये पहले से जो है यहाँ 30 दुकानें थी, निर्मित थी, जिसमें से 12 दुकानें भी चल रही, 18 खाली है। तो उस 18 में नए लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है, और बाकी जो हमारे जैसे इंदिरा मार्केट है और ये आपका राजेंद्र पार्क के पास है, जी रोड में जो ठेले वाले हैं, जो इसका अपना गुपचुप चाट और जैसे इडली डोसा वाले बैठते हैं, वैसे 70 लोगों को यहाँ पे बिठाया जाएगा, वो ठेले में रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।